हो आप लोग? आई होप सब बहुत बढ़िया हो गए और प्रैक्टिस कंटिन्यू कर रहे हो गए। अभी थोड़ा वीडियो आने में टाइम लगा, थोड़ा बिजी था इसीलिए। तो आज थोड़ा सा कार्टून्स कैरेक्टर पे थोड़ा सा फोकस करते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो सीखना चाहते हैं, जो बोल रहे थे कि कैसे कार्टून्स को बनाते हैं, उसका एक प्रोसेस बनाओ भैया। तो उसको देखते हैं आज एक नए तरीके से, कि उनको कैसे समझ में आएगा हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं घरों के, क्योंकि अभी उनकी छुट्टियां चल रही हैं, तो इसीलिए उनके लिए ये बनाना है। तो मेरा भी बच्चा थोड़ा सा परेशान कर रहा है, कोई नहीं, बट अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कार्टून्स बनाना है, जैसे मैंने और जैसे लोगों को बताया है पिछली क्लास में, कि कार्टून्स या कार्टून कैरेक्टर या सेमी रियलिस्टिक कैरेक्टर कैसे बनते हैं, वो आप मेरी वीडियो देख सकते हो पहले जाके। और जिसको भी गेमिंग से रिलेटेड या एनाटॉमी से रिलेटेड कैरेक्टर देखने हैं तो वो आप जाके देख सकते हैं। तो आज देखेंगे उन लोगों के लिए जो बच्चे करना चाहते हैं ओनली कार्टून्स। तो सबसे पहले मैंने सबको ये बताता हूँ कि सर्कल की प्रैक्टिस करो। उससे क्या होता है, सर्कल से सर्कल बन जाता। मेरा बेटा बहुत परेशान कर रहा है। चलो ये देखो, एक सर्कल बनाया मैंने एक जस्ट। तो अब देखो, अगर ये सर्कल है तो हम जब कार्टून्स बनाते हैं तो ओनली सर्कल ही लेते हैं, सर्कल टू सर्कल ही काम करते हैं। जैसे ये हुआ सर्कल, एक सर्कल, ये हम फेस बनाने के लिए सर्कल ही लेते हैं मोस्टली। आप स्क्वायर भी ले सकते हो। अगर आप सर्कल यूज़ करेंगे बच्चों तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सर्कल से ना हम कैरेक्टर को एकदम अच्छी शेप में दिखा सकते हैं। अब ये देखो, ये मैंने सर्कल को 3/4, मतलब उसका जो अपने आप जो बनाओगे कैरेक्टर उसके हाफ का थोड़ा सा साइड में आप एक लाइन लो और उसके एक सेंटर में लाइन लो। ठीक है, एक सेंटर में लाइन ली तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और जब हम ऐसे बनाएंगे तो अब देखो क्या करते हैं। अब इसके हाफ एंड देन हाफ ये अपने माइंड में रखा और इसके बीच में एक आईज बना दिया आपने, ये इस तरीके से गोल। ठीक है, अब इसके बीच में भी एक आईज बनाई, मतलब सर्कल बनाया, सॉरी। अगर आप सर्कल बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मतलब ये जो होल बना दिए आपने वो भी किस में, सर्कल के हाफ जो लाइन ली है हमने, ये कर्व लाइन जो ली है, मतलब जो टेढ़ी सी लाइन ली है इसमें। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ये मैंने चलो आइज बनाई और इसके बाद ये जो लाइन है यहाँ पे, ये कट हो रहा है इस पे, आपने एक छोटी सी नोज बना दी इस पे, ये इस तरीके से। ठीक है, ये इतना हुआ, आप इतना करो। उसके बाद क्या करना है, ये यहाँ पर थोड़ी सी एक लाइन बाहर निकालो और ये जो यहाँ पर ये जो सर्कल कट रहा है इसमें एक हल्का सा कर्व दो ऐसे, इस तरीके से, और इसको इस तरीके से कर्व लेके आओ थोड़ा। ठीक है, अब ये इतना हो गया। अब क्या करना है, अब आपको आईज ड्रॉ करनी है, इसके अंदर एक सर्कल बनाना है। ये आज मेरा बेटा पता नहीं क्यों इतना तंग कर रहा है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है, वो भी आवाज कर रहा है, हेलो। कोई नहीं, अभी वो बड़ा हो जाएगा तो वो भी करेगा, पर अभी जो सीख रहे हैं बच्चे या जो भी भाई लोग, उनके लिए अभी तो मैं थोड़ा सा। अब ये मैंने आईज बना दी कैरेक्टर की, अब क्या किया, अब देखो दो तरीके होते हैं जो मैंने बता रखे हैं लिप्स बनाने के, या तो लिप्स को इस तरीके से बनाओ या नॉर्मल एक लाइंस में बना दो। तो हम लाइन में बनाएंगे अभी, वो ये वाला नहीं लेंगे, तो ये लाइंस, ये देखो ये बनाया। अब देखो ये मैंने आईब्रो भी बना दी इसके ऊपर, आईब्रो भी होती है कैरेक्टर्स में, कार्टून कैरेक्टर में ये।
अब बारी आई इसके कान बनाने की। अब कान थोड़े से देखो, यहाँ से ये जो आईब्रो की लाइन है मेजर करो, यहाँ से और नोज तक हम बनाएंगे किस तरीके से, इसके अंदर ही अंदर ये देखो थोड़े से यहाँ से कान ना बड़े होके कार्टून्स के यहाँ पे अंदर की तरफ छोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएंगे कार्टून्स के, ये थोड़े से बाहर ज़्यादा हो गए हैं तो इसको अंदर कर देता हूँ। अब इतना बनाया, उसके बाद क्या करना है आपको, बाल बनाने हैं कार्टून्स के। अब कैसे बनाने हैं ये भी देखते हैं। यहाँ से आप शुरू करेंगे, इसके हाफ में तो अब आपकी आईब्रो आ गई, इसके हाफ जितना डिस्टेंस बचा इसमें अब इसके बाल बनाएंगे। तो बच्चों का कैरेक्टर भी अच्छा बन गया, कार्टून कैरेक्टर। तो ये आपको इतना समझ में आया होगा। ये प्रैक्टिस आप पेंसिल से भी कर सकते हैं, आपके पास डिजिटल है तो कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों के बाल थोड़े से बड़े होते हैं पीछे से, तो ये भी हम कर सकते हैं। अब देखो ये इतना बन गया, उसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा ही ज़्यादा ही छोटा हो गया तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं। ज़्यादा ही ठीक है, यहाँ लिख के इसे, बाकी ये है इस थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। अब देखते हैं अब क्या करना है। ये हमारा कैरेक्टर है, अब इसका थोड़ा सा बेस बनाएंगे, यानी इसका पेट बनाएंगे और इसकी टांगें बनाएंगे। अब देखते हैं कैसे। अब मान लो ये इसकी सेंटर लाइन है, तो चलो यहीं से लेते हैं। यहाँ से इसकी गर्दन शुरू करेंगे, ज़रूरी नहीं है वो हमें कैरेक्टर के हिसाब से बनानी पड़ती है, बट अभी हम अपने इस कैरेक्टर को यहाँ से बना रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा कर्व दिया, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, इसको मिलाया इस तरीके से, ये हुआ। सबसे आसान तरीका जो है हमारा कैरेक्टर बनाने का वो है लाइन ऑफ एक्शन। आप इस तरीके से कोई लाइन ऑफ एक्शन लेंगे सर्कल का और इस तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा बन जाएगा। यहाँ एक छोटा सर्कल, ठीक है, ये हमारे पैरों की लाइन, ये हमारे लाइन ऑफ एक्शन होता है। तो प्लीज़ इसे फॉलो करें, इससे हमारा कैरेक्टर बहुत अच्छा बनता है, एक फ्लो में आता है कैरेक्टर। तो अब देखते हैं इसका लाइन ऑफ एक्शन, ये हमने ऐसे बनाया, ठीक है। अब यहां पे इसके लिए एक सर्कल बना दिया, अब इसको भी कट करेंगे। अब क्या करेंगे, थोड़ी सी यहां ये बाहर निकल रहा है, अब यहां से एक लाइन लेंगे इसमें हल्की सी नीचे की तरफ, जो टांगों की लाइन होती है, मतलब जैसे हमें पैर बनाने हैं इसके, इस तरीके से थोड़ा सा आर्क में, थोड़े से हल्के टेढ़े यहाँ से इसके पैर बना देंगे इसके, थोड़ा सा लंबा लेंगे और कैरेक्टर को, क्योंकि ये हुआ। ये इसके आप चड्डी बड्डी बना दो, उसके बाद इसको हाफ, रूल्स वाले वही होंगे जितने भी हैं सारे के सारे जो हम और कैरेक्टरों में बनाते हैं। ठीक है, अब ये देखो ये हुआ,
अब क्या करना है, यहाँ से देखो आर्क इस तरीके से लेके जाना है और ऐसे कर देना है, ये यहाँ पे भी एक सर्कल बना दिया इसने, इतना बना दिया। अगर आपको कुछ इतना भी बना लोगे तो भी बहुत है। फिर आपको क्या करना है, किसी भी कैरेक्टर के इतना बनाने के बाद क्या करना है, इसको थोड़ा सा फेड करना है। अब इसको फिर फाइनल करेंगे, अब इसको फाइनल करके देखते हैं इस पर क्या बनता है। ये ये देखो थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा और ओपेसिटी कम कर देता हूँ, तुम्हारा कैरेक्टर विजिबल होगा। ठीक है, अब ये अब देखो ये टी शर्ट बनानी है, मतलब अगर टी शर्ट पहना रहा हो तो थोड़ा सा यहाँ पे कर भी देना है। अब ये कंधे इसके हैं, अब इस तरीके से होंगे बच्चों के, ये थोड़ा सा ऐसे, ये इस तरीके से। तो ये मैंने बनाया कर्व, अब क्या करना है, ये थोड़ा सा, अगर देखो बच्चे ना फ्लैट नहीं होते हैं, थोड़े से मोटे होते हैं, तो ऐसे भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, थोड़े से स्लिम भी बना सकते हैं बच्चों को, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कैसे भी बना सकते हैं बच्चों को, ज़रूरी नहीं है कि हम पतले से ही बनाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा सर्कल बना लेता हूँ यहाँ पे भी, अब ये देखो यहाँ पर बच्चों के हाथ थोड़े से गोल मटोल टाइप से होते हैं, तो वैसे ही बनाने हैं, ज़्यादा मसल्स नहीं बनाने इनमें। ये फिंगर, ठीक है,
आप चाहो तो इसकी वॉच भी बना सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी हाथ पे वॉच लगा रखी हो या कुछ भी जैसे भी या नहीं भी। तो ये कैरेक्टर अभी देखो आधा तैयार हुआ है, अब इसे देखो पैंट पहनाए या निक्कर वो देखते हैं। अब इतना बनाया, उसके बाद ये चलो निक्कर ही बना के देखते हैं कैरेक्टर को। यहाँ थोड़े से घुटने बनाने हैं इसके, ये थोड़ा सा ज़्यादा इनके कर्व वो नहीं बनाने, काफ हल्का सा ही कर्व होता है बच्चों का, ज़्यादा नहीं होता, पतले पतले से ही पैर होते हैं। तो ये थोड़ा सा कैरेक्टर देखते हैं किस तरीके से बना है, लाइन ऑफ एक्शन थोड़ा सा झुका हुआ है, ओ सॉरी ये तो बंदी हो गया, नहीं हैगा, अभी देखते हैं। ओके ऐसे देखते हैं, तो आपने देखा अभी ये हमने जो कैरेक्टर अभी बनाया है इसको, ये हमारा आउटपुट आया है इसमें। थोड़ा और डिटेलिंग देना चाहें तो और भी डिटेलिंग दे सकते हैं इसमें हम, जैसे हम यहाँ पे नेल्स बनाना चाहें इनके फिंगर के, उंगलियाँ दिखानी है और भी डिटेलिंग पार्ट, ये तो सब डिटेलिंग में आता है। तो अभी आपको इतना समझ में आया होगा कि कार्टून्स को कैसे रेडी करते हैं हम, उसमें कलरिंग वलरिंग कैसे करते हैं, क्योंकि ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो मैंने जितना इजी किया उतना, जितना मुझसे हुआ उतना मैंने इजी किया आपके लिए। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, और ये उनके लिए भी है जो मेरे से मैसेज करके, जिन्होंने मुझे बोला है बच्चों ने कि मुझे हमें कार्टून बनाना सीखना है, तो इसको प्लीज़ ट्राई करो। फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक, और इजी करते हैं कैरेक्टर बनाने का, क्योंकि जितनी हम कैरेक्टर की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा काम सही होता है, ये तो मैं कई बार बता चुका हूँ पहले। तो आप लोगों को भी प्रैक्टिस करनी है इसे बनाने की, जब भी आपका काम भी अच्छा होगा, जैसे और लोगों का भी अच्छा होगा, चाहे तो आप इसमें और डिटेलिंग भी डाल सकते हैं। जितना डिटेलिंग डालोगे उतना काम अच्छा होगा। ये देखो ये हमारा एक कार्टून कैरेक्टर बन चुका है। तो
ये थोड़ा सा कर ही देते हैं। ये देखो अब हमारा एक रेडी हो चुका है, हमारा स्केच ये था, हमने लाइन ऑफ एक्शन लिया था, इसको दिखाता हूँ मैं आपको। तो आपको मैंने बताया था कि लाइन ऑफ एक्शन से कैसे करना है और कैसे इसको करना है पूरा, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन से मेन जो है लाइन ऑफ एक्शन ही होता है। आप सर्कल की प्रैक्टिस करेंगे और कर्व की तो ये आप लाइन ऑफ एक्शन ज़रूर बना पाओगे। चलो मिलते हैं आगे एक और कैरेक्टर के साथ अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।